दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा ट्रेन को तेजी से चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, जिससे चूचू चार्ल्स दूर गिर जाता है। तभी मौका मिलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा वहां से चले जाते हैं। दूसरा अंडा को कलेक्ट करने के लिए सभी दूसरे सुरंग के पास जाते हैं, जहां चूचू चार्ल्स पहले से होता है। बाबा किसी तरह चूचू चार्ल्स को अपनी ओर ध्यान भटकाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इसका पता चूचू चार्ल्स को पता चल जाता है। इसलिए वह सुरंग के पास जाता है और सुरंग को तोड़ने लगता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सुरंग धीरे धीरे टूटने लगता है, जिसके बाद मिश्रा जी बहुत डर जाता है। गुप्ता जी, ये क्या चूचू चार्ल्स तो सुरंग को तोड़ रहा है, अब हम दोनों फंस गए हैं। मिश्रा जी पीछे हटो, वरना चूचू चार्ल्स हमें कुचल देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे पीछे हटते हैं, ताकि चूचू चार्ल्स उन्हें मार ना दे। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए बाबा वहां आ जाते हैं और मिसाइल से हमला करते हैं। मिसाइल के वार से चूचू चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह सुरंग को तोड़ने में लगा हुआ होता है। चूचू चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ और करना होगा, नहीं तो गुप्ता जी और मिश्रा जी मारा जाएगा। चूचू चार्ल्स लगातार सुरंग पर हमला कर रहा था, जिससे धीरे धीरे सुरंग टूट रहा था। मिश्रा जी पीछे भागो, शायद पीछे से भागने का कोई रास्ता होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के और अंदर जाने लगते हैं, तो उन्हें एक और अंडा दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, एक और अंडा मिल गया, पर आगे का रास्ता तो बंद है। मिश्रा जी, अंडा को उठाकर रख लो और जैसे ही मौका मिलेगा तो हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी वह अंडा उठा लेता है। अंडा को उठाते ही चूचू चार्ल्स आग बबूला हो जाता है और वह और भी तेजी से सुरंग को तोड़कर गुप्ता जी और मिश्रा जी के नजदीक जा रहा था। इधर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी का मदद करने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं, और तभी उसे एक जेसीबी दिखाई पड़ता है। बाबा तुरंत जेसीबी के पास जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। चूचू चार्ल्स, अब तुम तो गए, इस बुलडोजर से बचोगे नहीं। बाबा जेसीबी को फुल स्पीड में स्टार्ट करके उससे बाहर निकल आते हैं। जेसीबी तेजी से चूचू चार्ल्स से टकराने के लिए बढ़ता है, लेकिन चूचू चार्ल्स यह देख लेता है। चूचू चार्ल्स अपनी रक्षा करने के लिए वह जेसीबी को हवा में उड़ा कर पटक देता है। तेजी से नीचे गिरने की वजह से जेसीबी में ब्लास्ट हो जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया, चूचू चार्ल्स ने बुलडोजर को नष्ट कर दिया। गुप्ता जी, अब क्या करें, अंडा तो मेरे पास आ गया है, पर चूचू चार्ल्स से कैसे बचें? चूचू चार्ल्स से बचने के लिए गुप्ता जी अपना तेज दिमाग लगाते हैं। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। मिश्रा जी पीछे हटो, हम लोग यहाँ से बाहर आ सकते हैं। कैसे गुप्ता जी? अरे मिश्रा जी, तुम बस जरा पीछे तो हटो। गुप्ता जी और मिश्रा जी थोड़ा पीछे हटते हैं और तभी गुप्ता जी अपने मिसाइल से सुरंग पर हमला करते हैं, जिसके बाद सुरंग में रास्ता बन जाता है। अरे वाह गुप्ता जी, आपने तो कर दिखाया, अब हम दोनों यहाँ से बच सकते हैं। मिश्रा जी, फटाफट यहाँ से निकलो, चूचू चार्ल्स को पता चल चुका होगा कि हमने सुरंग को तोड़ दिया है और यहाँ से भागने वाले हैं। गुप्ता जी की बात मानते हुए दोनों सुरंग से बाहर आकर तेजी से भागते हैं। सुरंग से निकलते ही चूचू चार्ल्स गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी, सुरंग से तो बाहर निकल आए, पर चूचू चार्ल्स हमारा पीछा कर रहा है। मिश्रा जी, भागते रहो जब तक चूचू चार्ल्स से बचने का कोई उपाय ना मिल जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इधर देखो, हमें इधर से निकलना है। गुप्ता जी, मुझे बाबा की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मिश्रा जी की बात सुनते ही गुप्ता जी ध्यान से चारों तरफ देखते हैं, तो उन्हें आगे बाबा बुलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाबा का आवाज़ सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उनकी तरफ भागते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ट्रेन के अंदर जल्दी से बैठो, हमें यहाँ से निकलना है और तीसरा अंडा जल्दी से जल्दी ढूंढना है। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और बाबा ट्रेन के ऊपर खड़े रहते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को ट्रेन से भागता देख चूचू चार्ल्स अपनी तेजी बढ़ाता है। चूचू चार्ल्स हमारे नजदीक आते जा रहा है, मुझे उसकी गति कम करनी होगी। चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए बाबा अपने मिसाइल से हमला करते हैं। लगातार मिसाइल के वार से चूचू चार्ल्स धीमा हो जाता है और वह वहां से भाग जाता है। चूचू चार्ल्स के भागते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी ट्रेन को रोक देते हैं और सभी बाहर आ जाते हैं। बाबा, हमने चूचू चार्ल्स को भगा दिया है, पर अब तीसरा अंडा कहाँ होगा? मिश्रा जी, तीसरा अंडा भी किसी गुफा में होगा,
इसलिए हमें समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए और वह तीसरा अंडा को ढूंढना चाहिए। बाबा की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं और तीसरा अंडा को ढूंढने के लिए सभी आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा को एक गांव वाला दिखाई पड़ता है जो इधर ही आ रहा था। गुप्ता जी, सामने से कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए कि आगे कोई सुरंग है या नहीं। हाँ मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए उससे पूछते हैं। बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी उस आदमी से पूछते हैं तो वह व्यक्ति बताता है कि आगे 100 मीटर दूर एक सुरंग है जहां चार्ल्स का साथी बंदूक लेकर खड़ा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा समझ जाते हैं कि चूचू चार्ल्स का आखिरी अंडा वहीं पर होगा, इसलिए सभी जल्दी से उसी रास्ते में जाने लगते हैं। 100 मीटर चलने के बाद सभी को एक और सुरंग दिखाई पड़ता है। अरे वाह गुप्ता जी, यहाँ तो चूचू चार्ल्स नहीं है, लगता है तीसरा अंडा हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। शायद ऐसा ही हो, पर चूचू चार्ल्स का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब और कहाँ से आ जाएगा ये किसी को पता नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों अंडा लेके यहाँ आओ, तब तक मैं यहाँ पर नजर बनाए रखूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के पास जाने लगते हैं और बाबा इधर ध्यान रखते हैं कि कहीं चूचू चार्ल्स आ गया तो उसे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने से रोकेंगे। मिश्रा जी, चार्ल्स के साथी को सुरंग से दूर करो। हाँ गुप्ता जी, ये काम तो मैं ही करूँगा। अरे चार्ल्स का साथी लोग, यहाँ से निकलो नहीं तो सबको उड़ा डालूंगा। मिश्रा जी के एक ही बार बोलने पर सभी लोग वहाँ से चला जाता है। अरे वाह मिश्रा जी, तुमने तो कमाल कर दिया, बिना मिसाइल के वार किए सभी को भगा दिए। गुप्ता जी, ये अपून का स्टाइल है, अच्छे अच्छे लोग मुझसे डरते हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा फेंको मत, क्योंकि सबको पता है तुम कितने बहादुर हो। चलो अब अंडा लेकर आना है हमें। अंडा को लाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। सुरंग के अंदर घुसते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ हलचल होता हुआ अनुभव होता है, इसलिए दोनों अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो चार्ल्स का साथी सुरंग को बाहर से बंद कर दिया था। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए, चार्ल्स का साथी ने हमें कैद कर लिया है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हमारे पास तो मिसाइल है, इसे तोड़ कर बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। मिश्रा जी, सुरंग को तोड़ने से पहले चलो अंडा को ले आते हैं। अंडा को लेने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग के और अंदर जाते हैं तो उसे कुछ और हलचल सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, यहाँ तो कोई है, मुझे हलचल होता हुआ अनुभव हो रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोच ही रहे थे तभी उन्हें चूचू चार्ल्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, ये चूचू चार्ल्स के आने का आवाज है, कहीं चूचू चार्ल्स। मिश्रा जी, तुम जो सोच रहे हो शायद मुझे लगता है ये सच होने वाला है, क्योंकि आगे देखिए, चूचू चार्ल्स को अपने आगे देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वह दोनों सुरंग में फंस चुके थे। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी तीसरा अंडा नहीं ले पाएंगे और चूचू चार्ल्स के हाथों मारे जाएंगे? ये जानने के लिए चूचू चार्ल्स का पार्ट 7 देखना ना भूलें। और हाँ, हमारा न्यू चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में फर्स्ट एपिसोड संडे सुबह 10 बजे आ रही है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और जिसने भी अभी तक हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे टच करो और सब्सक्राइब कर लो।